आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिलिप्स BT3431 ट्रिमर और जानेंगे क्या ये ट्रिमर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो कुछ इस तरह के सिंपल से बॉक्स में आता है अपना ट्रिमर और जैसे ही बॉक्स को ओपनिंग करते हैं सबसे पहले मिलते हैं हमें कुछ यूजर मैनुअल्स, साथ में दिया गया है 1 चार्जिंग केबल, हालांकि USB टाइप ए का चार्जिंग केबल है, ये टाइप सी सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा मिलता है 1 क्लीनिंग ब्रश, 1 कैरिंग पाउच। ऑलराइट गाइस, ये है अपना फिलिप्स BT3431 ट्रिमर जो कि अपग्रेड वर्जन इसका प्रीवियस ट्रिमर का। तो यहाँ पे आपको 20 डिफरेंट सेटिंग देखने को मिल जाता है जिसको आप इस डायलर के हेल्प से चेंज कर पाएंगे। मिनिमम सेटिंग दिया गया है 0.4 mm और मैक्स टू मैक्स आप इसको अप टू 10 mm की सेटिंग तक एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक ट्रिमर से दिया गया चार्जिंग पोर्ट जिसके हेल्प से आप इसको चार्ज कर पाएंगे। ओवरऑल चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो है 1 आवर और 1 घंटा कंप्लीट चार्ज करने पर अप टू 1 आवर का बैटरी बैकअप भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक ट्रिमर के फ्रंट साइड में दिया गया चार्जिंग इंडिकेटर एंड द पावर ऑन एंड ऑफ बटन। ओवरऑल ट्रिमर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, कंप्लीट बॉडी जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं काफी बढ़िया से हाथों ग्रिप में भी ये आ जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और एक झलक डालते हैं पुराने जनरेशन के मुकाबले इस ट्रिमर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। डिफरेंस नंबर 1, पहले का जो मॉडल था फिलिप्स का BT3231 वो डेडिकेटेड एडाप्टर के साथ आता था, बट राइट नाउ जो मॉडल नया लॉन्च किया इन्होंने अपग्रेड वर्जन, ये बस नॉर्मल USB केबल के साथ में आता है, तो चार्ज करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन का चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंसेस नंबर 2 वो है इनकी सेटिंग्स। हालांकि दोनों ही ट्रिमर में 20 डिफरेंट सेटिंग देखने को मिलता है, लेकिन जो पहले का ट्रिमर था इसका सेटिंग शुरू होता था 0.5 mm से लेकर के 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, ऐसे करते करते आप मैक्स टू मैक्स 10 mm के सेटिंग तक ले जा सकते थे। लेकिन जो नया वाला ट्रिमर देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो लो वाला सेटिंग काफी ज्यादा दिया गया, जैसे कि 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm, तो लो सेटिंग जो होते हैं काफी ज्यादा है। हालांकि मैक्स टू मैक्स आप इससे भी अप टू 10 mm के सेटिंग तक ट्रिम कर पाएंगे। तो जो यूजर छोटे छोटे बियर्ड रखना ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं नया मॉडल में बहुत ज्यादा ऑप्शन उनको मिल जाएंगे, बट जिनको लॉन्ग बियर्ड रखने का शौक है वो दोनों में से कोई भी ट्रिमर ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आएगी। अदर देन दिस दोनों ट्रिमर में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, बोथ दी ट्रिमर्स आर एब्सोल्युटली सेम टू सेम। फिलहाल चलिए अब वक्त हो चुका है जानने का कि इस ट्रिमर की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम ट्रिमर परचेस करते हैं आप जैसे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे बस रिव्यू करने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मेक श्योर ट्रिमर को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लेने पर हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम पे भी मिल जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर ट्रिमिंग अपना बियर्ड जो है कितना बड़ा दिख रहा था एंड इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट लुकिंग गुड। तो सबसे पहले हमने 3 mm का सेटिंग अपने बियर्ड को ट्रिम किया एंड ट्रस्ट मी वेरी स्मूथली जो ट्रिमर है बियर्ड को ट्रिम कर देता है, बिल्कुल भी समय नहीं लेता। इसके बाद हमने कॉम को निकाला बाहर और डायरेक्टली ब्लेड के हेल्प से हमने लाइनिंग देने की कोशिश की एंड ट्रस्ट मी ब्लेड जो है काफी ज्यादा स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल भी स्किन में चुभता नहीं है और हमने काफी कम समय में अपने बियर्ड को प्रॉपरली सेट कर लिया। और ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। मैं वीडियो बनाने के पहले ही अपने बियर्ड को ट्रिम कर लिया था और अभी आपको लाइव ट्रिमिंग टेस्ट भी दिखाया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इस ट्रिमर ने हमारे बियर्ड को परफेक्ट शेप जो है दे दिया है और लुक भी काफी अच्छा निखर करके आ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और हम कॉम को निकालते हैं दोबारा से बाहर और अब मैं सिर्फ ब्लेड के हेल्प से पूरा फुल बियर्ड को क्लीन करने जा रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं कितना हद तक क्लीन शेप लुक ये ट्रिमर हमें दे पाता है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपने बियर्ड को पूरी तरह से ट्रिम कर लिया है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ब्लेड ऑफ दिस फिलिप्स BT3431 ट्रिमर। एक बार मैं आपको ब्लू क्लोजअप लुक दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कितने छोटे छोटे बियर्ड आप रख पाओगे
अगर आप डायरेक्टली ब्लेड के हेल्प से ट्रिम करते हैं। ट्रिमर का ब्लेड काफी ज्यादा स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल भी छिलने कटने है कोई टेंशन नहीं है, वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है जब भी आप इस ट्रिमर से अपने ब्लेड को ट्रिम करते हैं। अगर आप इस ट्रिमर को लेने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बट मेक श्योर लेना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही बाय कीजिएगा, और एल्स सीधे यहाँ पे क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम पे भी मिल जाएगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और चाचा एक घंटी को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।